करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा ने 11 वर्ष की आयु में विवाह किया। 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करने लगे। उन्हें उस समय कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा शामिल थे। उन्होंने मोरबी, गुजरात में तपस्या की और वहां तलैया बाबा के नाम से जाने गए। बाबा नीम करौली संत थे। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बारे में कई अद्भुत कहानियां बताई जाती हैं। बाबा एक बार प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर पहुंचे तो बाबा के पास टिकट नहीं था। टिकट चेकर फिर बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया। बाबा अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ कर थोड़ा पीछे बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलने का आदेश दिया और गार्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो बाबा को जानने वाले स्थानीय मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों से कहा कि वे बाबा से माफी मांगे और उन्हें गरिमा के साथ अंदर ले आए। ट्रेन के अन्य लोगों ने मजिस्ट्रेट से सहमति व्यक्त की। अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तब से बाबा का नाम बदलकर नीम करौली कर दिया गया। नीम करौली बाबा के चमत्कारों की सैकड़ों कहानियां हैं। बाबा नीम करौली अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ यहां आश्रम स्थापित करने के उद्देश्य से 1961 में उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम में पहली बार आए थे। इस आश्रम की स्थापना 1964 में बाबा नीम करौली ने की थी। नीम करौली बाबा की समाधि नैनीताल के निकट पंतनगर में है। यहां जो भी मन्नत लेकर आता है खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ बाबा की समाधि भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में संगीतकार जय उत्तम, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्य दास और कवि कृष्ण दास शामिल है। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में अमेरिकी आध्यात्मिक नेता माजया सती भगवती, यवेटे रोसे, एक विद्वान और लेखक दादा मुखर्जी, जॉन बुश, फिल्म निर्माता डैनियल गोलेमैन और मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा शामिल है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स शामिल है। कहा जाता है कि इस धाम में आने से उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेला लगता है और देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। बाबा नीम करौली इस धाम में भगवान हनुमान के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत और दुनिया भर से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस स्थान पर बाबा के भक्तों ने एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें एक हनुमान जी का मंदिर भी है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त थे, जिन्होंने देश भर में कई हनुमान जी के मंदिर बनवाए। नीम करौली बाबा के आश्रम पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनमें कैंची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमसेपुर के पास नीम करौली गांव, भूमि आधार, हनुमानगढ़ी और दिल्ली, साथ ही ताओस, न्यू मैक्सिको शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बुलेट प्रूफ कंबल घटना का उल्लेख है।
बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उनके लिए कंबल लेकर आते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के दो बेटे और एक बेटी है। बड़ा पुत्र अनेक सिंह परिवार सहित भोपाल में रहता है, जबकि छोटा पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत था। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में ज्यादातर अमेरिकी आते हैं। आश्रम देवदार के पेड़ों के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है।